A very interesting Doraemon fact. मैं ऐसी बात कर रहा, I don't know, but हाँ, a very interesting Doraemon fact. क्या आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में नोबिता का जो आवाज है वो तुम लोगों को लग रहा होगा कि बिकॉज नोबिता इज अ लड़का, आवाज भी लड़के ने दिया होगा, बट ऐसा नहीं है. नोबिता का एक्चुअल आवाज एक लड़की ने दिया है, उसका नाम है सिमरन कौर. नॉट ओनली नोबिता बट ऑल्सो निंजा हथौड़ी, जो भी एक लड़का है उसका भी आवाज एक लड़की ने दिया है, जिनका नाम है आई थिंक मेघना एरंडे. मुझे ये नाम इसलिए याद है क्योंकि बचपन में इनका वीडियो वायरल गया था, उस वीडियो में इन्होंने सबकी आवाज निकाली, लाइक इवन नॉडी आ गया, नॉडी नॉडी, इनका भी आवाज इन्होंने दिया है. लाइक डबिंग के वर्ल्ड में समझते नहीं ना कि लड़के का आवाज किसने दिया, लड़की का आवाज किसने दिया है. इस बार मैं नहीं करूंगा, आप करोगे क्योंकि आपका आवाज ऐसा एकदम डबिंग वाला आवाज है, तो आप स्टार्ट करो प्लीज. मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन डबिंग भी दो तरह से होती है, या तो बच्चों वाली आवाज या फिर बड़ों वाली आवाज, और इंट्रो की आवाज जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है, यानी कि मोटी होती है. So, दोस्तों स्वागत है आपका मिथ फैक्ट पॉडकास्ट में. मैं हूँ आपका दोस्त सुनिया हूँ. जी हाँ, दुनिया का सबसे हैंडसम और सबसे रईस लड़का, और मेरे डैड दुनिया के सबसे रईस आदमी है. डैम. तो यू नो, जब भी मैं पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ ना जी, मैं हमेशा थोड़ा सा आवाज चेंज करता हूँ. अच्छा. नॉर्मल आवाज ऐसे है कि वेलकम 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 टू अ न्यू एपिसोड ऑफ, तो जब भी पॉडकास्ट होता हूँ मेरा से अंदर वो रेडियो जॉकी का फीलिंग आ जाता है. लाइक वो कैसे बात करते हैं, वेलकम 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 टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द मिथ पैक पॉडकास्ट स्पॉटिफाई ओरिजिनल. क्या बात है, करने की कोशिश अच्छा करता हूँ क्या, बताना. बहुत बढ़िया यार, 10 में से मतलब 9.5 तो दे दूंगा मैं. मुझे लगा 3 वगैरह बोलने वाले. बट गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वजाहत, और शुड आई से वॉइस ऑफ सुनियो, बिकॉज़ लाइक यू आर बेटर नोन एज दैट, राइट? वॉइस ऑफ सुनियो, यस यू कैन से, एंड मोर वॉइसेस आल्सो. यस, अ लॉट ऑफ वॉइसेस एक्चुअली. लाइक ऑनेस्टली, सबने आपका आवाज सुना है, और जब फर्स्ट टाइम मैंने भी लाइक सुना कि आवाज के पीछे का जब हम चेहरा देखते हैं तो फैसिनेट हो जाते हैं, राइट? तो सबने आपका आवाज तो सुना है, बट लाइक आई वांट टू नो अबाउट योर कहानी. लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद योर कहानी, एंड देन फिर वो फ्लो आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा फ्लो में बैठने को टाइम लगेगा. ओके, और आपको बैठने में जगह भी तो ज्यादा चाहिए होती ना, आप इतने ऊंचे हैं. व्हाट्स योर हाइट? 6'5" 6'6" कितनी हाइट है आपकी? 6'4" यार. 6'4" यार, 2 इंच छोटे रह गए यार. योर वॉइस इज सो गुड यार, मतलब वो आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट लाइक देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैरिटी इन योर वॉइस. हाँ, मेरा माइक भी बहुत महंगा है ना, इसलिए. अच्छा, आपके पापा बहुत अमीर है ना? एग्जैक्टली. तो मैं हर चीज बहुत एक्सपेंसिव रखता हूँ अपने आसपास, ये मेरी बचपन से आदत है. दैट इज द रीजन. सो आई स्टार्टेड बैक इन द ईयर 2004, एंड आई वाज स्टिल स्कूल गोइंग किड दैट टाइम. मैं 11th क्लास में था शायद, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. और डोरेमोन हैपेंड इन द ईयर 2005, और वो भी बड़ी मस्त कहानी है. मैं एक मतलब जो लोग अभी सुन रहे हैं वो सुनकर एकदम हैरान रह जाएंगे. मैं था, मेरे ख्याल से कितने साल का था यार, मैं पता नहीं, मैं कितने साल का था, बट छोटा ही था, स्कूल गोइंग था. हाँ, 11th 12th में था ऑब्वियसली. डोरेमोन जब आप स्कूल गोइंग थे? हाँ, सो आई वाज इन 12th क्लास, 12th स्टैंडर्ड, जब मैंने डोरेमोन स्टार्ट किया. सो मैं ऑडिशन देने गया, और मुझे I'm so sorry to interrupt you, but like मैं भूल गया पॉडकास्ट की शुरुआत में, मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अपना पॉडकास्ट और टाइम पास पॉडकास्ट है. आज खाने में क्या खाया? हाँ, मैं बोलने वाला था अपने आप. मैंने दोपहर में खाया था, मैंने वेज पुलाव, और रात में मैंने खाई बिरयानी. वेज, नॉन वेज? चिकन बिरयानी. अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो आप स्कूल में थे, और तभी आपने डोरेमोन का डबिंग चालू किया. हाउ डिड यू डू दैट? बिकॉज़ लाइक आई एम टेलिंग यू, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तब से मेरे मन में, तब मैं फर्स्ट टाइम शाहरुख खान का आवाज सिखा रहा. अच्छा. तब से मैं हमेशा से ऐसे रुका था कि यार वो डबिंग की पहली अपॉर्चुनिटी कैसी आएगी. एंड यू आर टेलिंग मी आपने स्कूल से चालू किया था, सो हाउ डिड यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी? एक्चुअली मेरे, हाउ डिड यू फील लाइक डबिंग? बहुत ही स्ट्रेंज सी कहानी है, क्योंकि बेसिकली आई एम अ सिंगर, आई बिलोंग टू अ प्रॉपर म्यूजिकल फैमिली, और सितार का हमारा सबसे पुराना घराना है. तो मेरे एक अंकल होते थे जो कि मतलब मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. तो उन्होंने मुझे बोला, वजाहत तेरी आवाज बड़ी अच्छी है यार, एक काम कर, तू डबिंग में भी आ जा. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो मेरे पास ऐसे किसी का स्टूडियो से फोन आया, कहा कि ऐसे संजय पांडे जी ने मुझे आपका नंबर दिया है, क्या आप डबिंग करना चाहेंगे? तो यार मैं इतना भोला था, मैंने बोला हाँ हाँ, मैं डबिंग तो कर लूंगा, लेकिन मैं गाना गाता हूँ, तो गाने का अगर कुछ हो तो मुझे प्लीज बताना. दिस इज व्हाट हैपेंड. एंड द अदर गाय इन द स्टूडियो, ही वाज लाइक यार, उन्होंने उनको फोन किया संजय जी को, कि यार वो बच्चा तो कह रहा था कि वो गाना गाता है, वो डबिंग नहीं करता. तो उनका फिर मेरे पास फोन आया, तो वो कहते हैं मुझे, अरे वजाहत, उनको ये नहीं बोलना था कि तू गाना गाता, उनको ये बोलना था कि तू डबिंग भी करता है. तो मैंने बोला ओ डैम, ये तो मुझसे गलती हो गई. सो दैट इज हाउ आई स्टार्ट. उसके बाद क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड द स्टूडियो एनिमे करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको बताया, ये था मेरा रेडियो का एक्सपीरियंस एक्चुअली 2004 में.
तो फाइव में जब मैं स्टूडियो में एनिमे की डबिंग करने के लिए एंटर हुआ, तो मुझसे छोटा एक बच्चा था जो रहा होगा मेरे ख्याल 9 या 10 साल का, जो एक्चुअली शिनचैन की ओरिजिनल वॉइस था, आकाश अरोड़ा नाम है उसका। आई नो दैट गाय, मैंने आई थिंक यूट्यूब पे कहीं पे तो वीडियो देखा था। हाँ हाँ, तो उसने ही जो आप ही बोलते हो, सो ही स्टार्टेड दिस एक्सेंट, और वो बच्चे ने शुरू किया था। मैं बच्चा उसको बोल रहा हूँ, मैं मुझसे भी छोटा था वो एक्चुअली। तो हम लोग गए थे सोनिक एक्स करके एक सीरीज थी, हंगामा। या, या, I know. तो उसका लीड कैरेक्टर का डब था और मुझे सिलेक्ट किया गया था और उसे सिलेक्ट किया गया। मतलब वही ना, जुब 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 करके। हाँ हाँ हाँ, वो तेज भागने वाला। तो उसमें मैं गया ऑडिशन के लिए। वो सोनिक इन दैट? Yes, I played the Sonic. Yes, I am the lead character. तो उसमें क्या हुआ, वो बच्चे ने जैसे दिया ऑडिशन, मुझसे पहले वो दिया ऑडिशन, एंड वो बच्चा मुझसे पहले से डब करता था। तो आयरनी देखिए कि अगर मुझे पहले उन्होंने स्टूडियो में बोल दिया होता ना कि ऑडिशन तुझे देना है पहले, तो शायद मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि स्टूडियो के बीच में वो कांच रहता है, एक मतलब सी थ्रू मिरर रहता है ना बीच में। तो वो बच्चा मुझसे पहले ऑडिशन के लिए चला गया और मैंने उसको लिटरली कॉपी मार लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि डबिंग करते कैसे हैं। So, हाँ. ये एक बड़ी ही अजीब सी कहानी है सोनिक एक्स की। और मेरे how did you do it? Can you like share? मतलब वो कैसे किया था? हाँ, वो बच्चे उसने क्या बोला था, आपने क्या कॉपी किया? Because you were a kid at that time. How can you like modulate your voice उस टाइम? अरे, it was very difficult. I was so scared, क्योंकि मेरे साथ में और 5-6 बच्चे खड़े थे मेरी एज के, और भी लोग खड़े थे, और आई वॉज अबाउट टू फेस द माइक्रोफोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सच अ ह्यूज, सच अ बिग स्टूडियो। सो मैं वहां पर गया और वो बच्चे को मैंने देखा, वो ना क्या था, सोनिक हेजहॉग जो था होता है ना, वो भागता रहता है इधर से उधर इधर से उधर। तो वो बच्चे ने उसे ऐसे करके दिया अपनी पतली सी आवाज में, मैं वहां से चला जाऊंगा, ऐसे करके उसने दिया। उसके बाद मैंने बोला ओह तो ये करना है, अब मुझे समझ में आ गया कि करना क्या है। उसके बाद मैं स्टूडियो में एंटर हुआ और उसके बाद मैंने उस तरह से उसको कॉपी करके बोलना शुरू कर दिया। एंड जस्ट आयरनी देखो कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ जिसको देखकर मैंने ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट हो गया उस वॉइस के लिए। सो बट दिस वॉइस व्हिच सोनिक का था, लाइक वो वॉइस, या फिर इवन लाइक फॉर एग्जांपल सुनियो का भी जो आवाज था, या फिर शिनचैन का जो आवाज था, ये लोग पहले से बताते हैं कि ऐसा ऐसा ट्राई करना आवाज करें, बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट दिस आकाश, ही गिव दिस उई अह कैसे हो वाला वॉइस टू शिनचैन, राइट? सो आर यू टेलिंग मी ही मेड दैट वॉइस, और वाज ही टोल्ड कि ऐसे ऐसे करने का है? एक्चुअली क्या होता है, जो ओरिजिनल वॉइस क्रिएटेड, जो ओरिजिनल वॉइस होती है किसी भी एनिमे की, मतलब जब हम डब कर रहे हैं, तो डबिंग टीम जो होती है ना, वो उससे आइडेंटिकल वॉइस को ढूंढती है, जो आवाज उसके टेक्सचर को कैच कर जाए और मैच कर जाए। तो ऐसे सिलेक्शन होता है। अगर मान लीजिए किसी कैरेक्टर की आवाज बहुत भारी है और मेरी आवाज पतली है, जैसे फॉर दैट मैटर अगर मैं बोल के देखा मेरे डैड दुनिया के सबसे रईस आदमी है, तो मुझे उसमें सिलेक्शन नहीं मतलब मिलेगा, चाहे मैं कितने ही जैक लगा लूं उसमें, क्योंकि जितने भी ये लोग जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं बहुत स्केप्टिकल बनते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई वांट टू से आई एम फीलिंग सो हैप्पी टॉकिंग टू यू, क्योंकि बचपन से डोरेमोन हैज बीन माय फेवरेट शो, एंड आई एम टेलिंग यू मैं 20-21 के एज तक आई थिंक डोरेमोन देखता था। हां बिल्कुल, लाइक अभी नाउ यू सेड द सुनियो का डायलॉग ना, तो इसलिए मेरे को ऐसा ये हो रहा है कि यार आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू सुनियो राइट नाउ। यस एक्चुअली यू आर टॉकिंग टू सुनियो। यार सही लगता है। एक बार बिफोर यू कंटिन्यू, एक बार वो हो जाना कोई, तो रुको रुको, आई विल डू नोबिता, लाइक वेट व्हाट शुड आई डू, सुनियो ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी मुझे दे दो ना। नोबिता, ये रिमोट कंट्रोल कार मेरे डैड यूएस से लेकर आए हैं, ये कार में सिर्फ 3 ही लोगों के बैठने की जगह है, इसलिए अफसोस नोबिता तुम मेरी कार में नहीं बैठ सकते, और इस रिमोट कंट्रोल कार को मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। जी हां, देखो नोबिता मुझे मार रहे हैं। सुनियो वाज लाइक kind, like he was a friend of Nobita, but he was also like kind of evil. So हमेशा वो परेशान करता था। हाँ। तो like I am sure you must be knowing like जियान का जो voice actor है वो भी। हाँ हाँ, दीपांश कक्कड़ ने आवाज दी है जियान को। तो लोगों को बुरा नहीं लगता था ऐसे character, मतलब ऐसे ये होते हैं कि यार हम और क्योंकि there must be Nobita का I think I know Simran right? हाँ Nobita को, अच्छा Nobita को भी जो सबसे पहले आवाज दी वो आकाश ने ही दी थी, द शिनचैन voice। Okay. हाँ. So, कितना से बुरा लगता होगा वो करते वक्त यार, कि यार हम लोग इतना बुली कर रहे हैं नोबिता को, लगता था फीलिंग? अरे नहीं रे, वहां पर तो वैसे भी क्या ना, हम लोग को अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया करते थे वो लोग, तो हम लोग की एंट्री ऐसे, जैसे सोनल से मेरी बात होती थी द वॉइस ऑफ डोरेमोन, तो वो अभी ऑलरेडी स्टूडियो में है, मैं आया, मेरा टाइम 3 बजे से है, तो उसका टाइम खत्म हुआ, हम लोगों का हाई हुआ, उसका बाय हुआ, वो बाहर गई और मैं अंदर गया स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए। सो शी आल्सो स्टार्टेड वेरी यंग। अरे हम सारे बच्चे थे हमारे, मतलब आपको पता है डोरेमोन का सबसे बड़ा रीजन हिट होने का, मतलब अभी भी डोरेमोन एशिया की नंबर 1 सीरीज है, एंड डोरेमोन हैज 400 मिलियन व्यूअर बेस इन इंडिया इटसेल्फ, सिर्फ इंडिया में 400 मिलियन का व्यूअर बेस है। उसका रीजन ये है कि सारे बच्चों की आवाज थी उसमें, जिसकी वजह से बच्चे कनेक्ट हो गए। जैसे लास्ट टाइम यू डब्ड फॉर डोरेमोन? आई डब्ड इन 2019।
For Doraemon, and that time you were not a bachcha. हाँ हाँ. So how did you carry that voice अभी तक? Actually ये भी बड़ी कहानी है. मतलब अगर आप पुराने episode देखोगे ना तो आप उसमें देखोगे कि मेरी आवाज ना थोड़ी और पतली होती थी. अभी थोड़ी भारी हो गई. तो क्या होता है वो लोग ना pitch shift कर देते हैं आवाज को. To match the timbre. In fact, जो अभी सुनियो का क्योंकि unfortunately now I'm not the voice of सुनियो anymore. तो जो अभी सुनियो को voice दे रहे हैं मुझे लगता है शायद वो मुझसे भी age में मतलब शायद 5-10 साल बड़े होंगे. जितना मतलब मैं जानता हूँ. So, वो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर की मदद से उसको पिच शिफ्ट किया जाता है. बैक देन ऐसा नहीं करते थे ना लाइक व्हेन यू यूज्ड टू गिव. या बिकॉज मुझे तो हमेशा लगता था कि यार ये आवाज इतनी कार्टूनिश है. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ रियल वॉइस. लाइक दिस इज कैरेक्टर अगेन आई विल नेम इट गलत नाम लूंगा डूफेंशमर्ट्स या कुछ तो फिनियस एंड फर्ब में. मेरे को एक्चुअल वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता. अच्छा. सो उनका भी आवाज है एकदम ही अलग है. लाइक पेरी द प्लैटिपस ऐसे कुछ तो है. अच्छा. पेरी द प्लैटिपस तो ऐसे कुछ तो एंड दैट आवाज इज आल्सो रियल. हम लोग ना 90% तो आप समझ लीजिए कि वो मॉड्यूलेट ही करते हैं जितने भी वॉइस एक्टर्स होते हैं. हाँ अभी हाँ मॉड्यूलेट इन द सेंस कि कंप्यूटराइज्ड होते हैं कि नेचुरल. मैं बता रहा हूँ ना उसको ना हम लोग क्लोज से क्लोज पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं बिना किसी मशीन की मदद के. ठीक है. जैसे जैसे किसकी आवाज गूफी की आवाज है. गूफी याद है आपको. I'm so excited for this podcast because like there are a lot of things even I can contribute to. Like you said goofy right now. मुझे याद आ गया. आवाज सुना है मैंने. ऐसे कुछ था. ऐसे करता है गूफी ऐसे करके बोलता है वो. तो वो क्या होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज पहुंचने की हम यहाँ पर माइक पर कोशिश करेंगे और जितना क्लोज पहुंच पाएंगे जितना रह जाएगा मतलब उतना वो फिर कंप्यूटर से मशीन से उसको ठीक किया जाएगा. अब डोरेमोन का सीन क्या था. आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड और जो डोरेमोन में सुनियो की फर्स्ट वॉइस थी. अच्छा मुझसे पहले भी कोई वॉइस था. एक लड़का था जो कि शायद 10th स्टैंडर्ड में था. ओके. तो एक सीजन करने के बाद उसकी हालत खराब हो गई. उसकी स्टडीज में कहीं ना कहीं वो हैम्पर होने लगा या शायद उसके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था स्टूडियो में भागदौड़ करने के लिए. तो he left. Then I got the opportunity. I gave the auditions and fortunately I got selected and rest as history. Damn. You did this for how many years? Abhi 15 saal kiya maine usko. Wow. I'm sure 15 saal mein you must have done other characters also. अरे मैं मतलब दिल्ली में मुझे एनिमेशन किंग बोलते थे क्योंकि एक वक्त में मैंने 6-6 सीरीज को लीड कैरेक्टर्स को आवाज दिया. जैसे wow. आप शिनचान देखते हो obviously you are the biggest fan of शिनचान in India. शिनचान डोरेमोन एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूँ शिनचान. या सेकंडली हाँ तो शिनचान में एक रोज ग्रुप का चीता होता है. या उसको मैंने आवाज दी है. वो भी बुली था. हाँ और कजामा होता है उसको भी मैंने एक सीजन में आवाज दी है. ओ कैन यू डू कजामा. हाँ कजामा में भी यही आवाज होती थी लेकिन कजामा कैसी. एग्जैक्टली हाँ कजामा एंड सुनियो इज वेरी सिमिलर एंड बोथ आर रिच आल्सो. हाँ और उसके अलावा कितरेत्सु इज अनदर सीरीज जो कि बहुत पॉपुलर थी वो भी. आई नो बट डोंट टेल मी योर वॉइस कितरेत्सु. हाँ कितरेत्सु में टोंगारी करके कैरेक्टर था अगेन द रिचेस्ट कैरेक्टर. वो भी मैंने आवाज दिया. तो मेरे पर ये सब कैरेक्टर्स जो थे अभी टोंगारी मुझे याद है. हाँ एंड कजामा तो ठीक है. कजामा का फेस सुनियो का भी फेस ऐसा थोड़ा समोसे जैसा है. रिच कैरेक्टर्स के फेसेस ऐसे ही होते हैं. आई हैव नो क्लू. थैंक गॉड ऊपर वाले ने मुझे समोसा फेस नहीं दिया. बट आई कैन से आई एम द वॉइस ऑफ ऑल द रिच कैरेक्टर्स इन इंडिया मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली. या तो बिकॉज लाइक आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट राइट नाउ ऑफ योर कवर पेज ऑफ YouTube. अच्छा उसमें मुझे दिख रहा है कि बूट्स का भी कैरेक्टर. हाँ बूट्स. और अभी Netflix पर एक काफी अच्छी सीरीज हमने डब की थी. कौन सी. ट्रोल हंटर्स. हाँ ट्रोल हंटर्स में भी एक टोबी करके था कैरेक्टर. उसमें मैंने अपनी आवाज दी थी. तो इट वॉज फन लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली से ना सारा एनिमे का काम जो था वो सक्ड हो गया बॉम्बे की तरफ. या तो वो एक बहुत ही बड़ा एक मतलब हम लोगों के लिए बड़ा एक झटका था क्योंकि किसी और तरह की कोई परेशानी हमारी तरफ से नहीं थी. बस प्रॉब्लम यही थी कि हम दिल्ली आइट थे और हमारे साथ बहुत गलत हुआ. बॉम्बे का डबिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा होगा ना अभी एट दिस पॉइंट. एक्चुअली वहां पर ऑलरेडी इतना बड़ा डबिंग आर्टिस्ट है जो अभी छिपा बैठा है मित पैट के नाम से. मुझे डर लगता था. I thought he's gonna like because I know these 2-3 डबिंग आर्टिस्ट. Like I don't know them personally but like मुझे लगा इनमें से किसी का तो नाम लेंगे. Like Thanos का डबिंग आर्टिस्ट. I've seen his videos. निनाद कामत जी. He is a legend. Yeah. Damn. He's a legend. Then, I thought किसी का तो ऐसे नाम लेंगे बजाय तो like मित पैट. Do you know? Have you heard of this name चेतन शशितल. अरे उनको कौन नहीं जानता यार. वो तो बहुत ही बड़े हैं. वो तो उनकी आवाज है जिनको मैंने खुद अपने बचपन में मतलब जब मैं 6-7 साल का था मैंने सुना. I wanted to do a podcast with him. So what the story is like, मेरे स्कूल में मेरा दोस्त है उसके पापा है.
किसी दिवाली किसी दिन को ऊपर गए थे घर पे आपको पसंद है, like, जब लोग आपको बोलते हैं कि यार ये आवाज निकाल के दिखाओ वो निकाल के दिखाओ। अरे मेरे प्रोफेशन का सबसे बेस्ट चीज ये है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए ना ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब प्रूव करने में। जैसे आपको कोई मिले आउट ऑफ द ब्लूज, है आपको कोई बोले तू कौन है, तो आप बोलोगे भाई मैं मिताट हुआ, मैं यूट्यूबर, आई हैव अ 10 मिलियन फैन बेस ब्रो, कम ऑन, है ना। तो अगर कोई नहीं भी जानता ना, तो मतलब आप कहोगे ले देख यूट्यूब देख, और मुझे कोई कहेगा आप सुनियो, तो मैं बोले हे दोस्तों कैसे हो, मैं तुम्हारा दोस्त सुनियो। सो ऑल ऑफ अ सडन उनके दिमाग में घंटी बजती है, अबे ये आवाज तो सुनी हुई हमने बचपन से सुनी है या बचपन में सुनी है। ऑफन डू यू लाइक प्ले प्रैंक्स ऑन किड्स एंड ऑल? अरे एवरी टाइम आई एम डूइंग इट, लाइक रैंडमली लाइक रास्ते पे ऐसे कभी किया है? लाइक मैं बस एक सिनेरियो याद ऐसे मन में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स में हो, खाना ऑर्डर करो, लेफ्ट में एक बच्चा दिख रहा है, उसके सामने आपने आवाज निकाला। अरे मैं पता है वैसे जैसे मैं अभी आपके सामने चपड़ 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 बोल रहा हूँ ना, वैसे मैं रियल लाइफ में बहुत शाय किस्म का बंदा हूँ। और मैंने आपको बहुत ही शॉकिंग लगेगा, 2020 तक कभी ये चीज जग जाहिर की भी नहीं कि आई एम द वॉइस ऑफ सोनियो। Yeah, because I was going to come to this because like your channel was recently started, na? हाँ, एक दो साल हो गए थे। हाँ, 2020 में start किया। One year हुआ है September में, Doraemon के birthday वाले दिन, in fact I started this 3rd of September 2020. Was this after like the whole dubbing stopped? कि before that only started? I started before it, और उसके बाद I got to know that I'm removed from the series and I was heartbroken. मतलब आप सोच सकते हो कि एकदम से आपको 15 साल आप काम करो किसी चीज में। Not only you must be heartbroken, I'm sure. No, but like I'm happy. Like you should be happy. But one thing that you have definitely, like you have a name in history. Obviously. जब भी like with you also of course and like जब भी हम लोग शिनचैन भी सोचते हैं, या फिर सुनियो भी सोचते हैं, या फिर कोई भी आवाज, that's the voice we think about, no matter what. हाँ, मतलब ये तो है। You have name in history, like that's so cool. You tell me now this that. जब like how is the process of dubbing, like क्योंकि आप daily basis पे करते थे? मैं एक साथ में 6-6 सीरीज करता था, so daily basis क्या, मैं तो सुबह से शाम तक स्टूडियो में पड़ा रहता था। एक ही स्टूडियो में सब होता था? नहीं, ये UTV का एक स्टूडियो होता था और उसमें नीचे से ऊपर तक नाना करके 6 या 7 स्टूडियोज होते थे, मतलब बेसमेंट में 2 थे, उसके बाद ग्राउंड पर कुछ नहीं था, फर्स्ट पे 1 था, सेकंड पे 2 थे, थर्ड पे 3 थे, ऐसे करके। सो डेली बेसिस पे यू टू चेंज योर वॉइस मल्टीपल टाइम्स, लाइक दिस कैरेक्टर दैट कैरेक्टर दिस कैरेक्टर, वैसा? हां एग्जैक्टली। तो गली की तो वाट, क्योंकि आई टेल यू देयर आर फ्यू वॉइसेस जो मुझे अभी भी गली की वाट लगा देते हैं। आई टेल यू आई थिंक अक्षय कुमार का आवाज तो आता है अच्छे से, बट आई थिंक फरहान अख्तर का जो आवाज है वो कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम यू हैव टू होल्ड दिस, यस एग्जैक्टली, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। यार मैं भी किसको इंप्रेस करने की, सॉरी सॉरी, मैं आपको गलती से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, बट मतलब ये बच्चों का खेल नहीं होता, ये अगेन इट्स गॉड गिफ्टेड। हां, सो मिमिक्री डबिंग एवरीथिंग इज कम्स अंडर वॉइस मॉड्यूलेशन ओनली ना, हैव यू ट्राइड? एक्चुअली हर वॉइस ना अलग होती है। नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे पता है मेरा वो फोटे है ही नहीं। आई बट लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक आई वाज स्पेशली गिफ्टेड और एनीथिंग, लाइक मेरे लिए तो ऐसा नॉर्मल था, क्योंकि चलो मैं मूवी में देख रहा हूँ फरहान अख्तर का आवाज है एंड थोड़ा सा ऐसा खराश इफेक्ट है उसमें, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, लाइक देयर इज अ खराश इफेक्ट, तो आई जस्ट वेंट लाइक दिलों में बेताबिया लेकर। यू कैन ट्राई इट? ना ना ना, वो नहीं 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 हो पाएगा, वो दिलों में बेताबिया लेकर, वो मैं कर तो लूंगा, उसके क्लोज पहुंचने की कोशिश मैं कर लूंगा, कि जैसे हेलो मैट, मेरा नाम है फरहान अख्तर, लेकिन वो ये ना मैं वो उस सांचे में नहीं ढल पाऊंगा। अगेन जैसे मैं अभी पूछूं यूट्यूब के ऊपर कितने गेमर्स हैं, बहुत सारे हैं ना, लेकिन यूट्यूब पर कितने ऐसे गेमर्स हैं जो फरहान अख्तर की आवाज निकालते हैं? एक ही है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, तो वो आपको मैं सच में कहना चाहता हूँ कि दैट आई एम इम्प्रेस्ड, आपके अंदर डबिंग की कला तो है ही है आपके अंदर। आई नेवर टुक इट सीरियसली, लाइक नाउ दैट यू आर टेलिंग मी इट्स मेकिंग मी फील, आई एम फीलिंग अ बिट स्पेशल, यस, बिकॉज़ आई थॉट कि मिमिक्री इज अ थिंग दैट एनीवन कैन डू। नो 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 नॉट एट ऑल, मिमिक्री, हां मिमिक्री, जैसे मैं सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को जानता हूँ जो काफी सीनियर है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, आपने सुना है? ओ या या या, उसमें तो सब 3-4 एक्टर एक साथ होते हैं। हाँ, भैया क्या कर रहे हो भैया? हाँ भैया मैं आ रहा हूँ। उसके अंदर सारी आवाजें एक ही कैरेक्टर, एक ही शख्स देते हैं, संजय कैनी जी।
तो वो मतलब इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि मिमिक करते हैं. अदरवाइज आई डोंट नो एनीवन जो कि डबिंग इंडस्ट्री में और जो मल्टीपल वॉइसेस को मिमिक करे. अच्छा निनाद कामत जी हैं जो थॉर की आवाज है, ठीक है, वो हिमसेल्फ इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर और मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. और वो भाई सचिन तेंदुलकर की क्या आवाज निकालते हैं, ओ माय गॉड. आप सुनोगे आप कहोगे भाई आप कहोगे यार ये सचिन ही बोल रहा है, ये कोई और बोल ही नहीं सकता. और अमिताभ बच्चन साहब की आवाज भाई वो क्या निकालते हैं, मतलब वेरी वेरी सेम, ही इज नेक्स्ट लेवल. तो यार आप मिमिक करते हो, इनफैक्ट अगर मुझे लगता है कि शायद अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो मुझे लगता है प्लान वही था पहले. आप स्टूडियो में किसी में रहते हैं और नहीं, मेरा प्लान वही था, यूट्यूब जस्ट हैपेंड. लाइक आई एक्चुअली वांटेड टू गेट इनटू डबिंग एंड रेडियो. मतलब मम्मी बोलती थी कि रेडियो जॉकी तू कर क्योंकि तू इतना लाइक मिमिक्री वगैरह करता है तो मे बी यू कैन डू दैट. सो मेरा वैसे ही था प्लान. यूट्यूब इज नेवर लाइक अ, तभी जब मैंने चालू किया था यूट्यूब वाज नेवर लाइक अ थिंग कि हम बोल सकते कि चलो आई विल स्टार्ट डूइंग इट एंड इट विल हैपन. राइट, यूट्यूब पे तो मैंने फर्स्ट वीडियो भी तो मिमिक्री के बारे में डाला था. तो मेरा वही था कि मेरे को डबिंग और मिमिक्री में ही घुसना था. ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. और मुझे लगता है कि यू नो माय मेन रीजन व्हाई आई वांटेड टू गेट इनटू दैट, सो लाइक आई टू ऑलवेज सी दिस एडवर्टाइजमेंट्स मराठी में. मैंने आपको आई थिंक बोला ये चीज, पर मैं वापस बोलता हूं. ये सब मैं एडवर्टाइजमेंट लिखता था टीवी पे मराठी में होते थे जिसमें लाइक आई वुड सी लाइक ऋतिक रोशन का एड है एंड वो मराठी में किसी ने तो डब किया है. अच्छा, एंड द वॉइस वाज लाइक नॉट गुड. ओके, मतलब अच्छा नहीं होता था वो. लाइक इट्स नॉट ऋतिक रोशन का वॉइस, इट्स लाइक अ नॉर्मल वॉइस जो ऋतिक को मराठी में बात करवाता है. अच्छा, एंड मैं सोचा था कि यार ऋतिक का आवाज मैं दे सकता हूं ना मराठी में बात करना ऋतिक को, तो मैं ऋतिक जैसे बात कर सकता हूँ मराठी में. अक्षय कुमार का भी सेम सीन था, मतलब सीरियल्स में कि अक्षय कुमार है मराठी डायलॉग्स बोल रहा है बट इट इज नॉट हिज वॉइस, इट इज सम नॉर्मल पर्सन सेइंग इन अक्षय कुमार वॉइस. बट पीपल आर यूज्ड टू अक्षय कुमार का आवाज. इवन अरे एक बात तो ऐसी होगी, अमिताभ बच्चन जी का आवाज था एंड इट वॉज अ नॉर्मल पर्सन स्पीकिंग इन मराठी. मेरे को ऐसा लगा ढूंढ मैं अमिताभ बच्चन जी का तो आवाज बहुत ग्रेट ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट है सुदेश भोसले जी एंड ऑल, बट लाइक आई वाज लाइक कि मैं भी ये कर सकता हूं एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई वांटेड टू गेट इनटू डबिंग. आई वांटेड टू डू लाइक अ एड डबिंग एंड ऑल दैट वैसा. दैट नेवर हैपेंड. अरे मेरा इट स्टिल कैन हैपन. आई नो यू हैव टोल्ड मी दैट. आई हैव टू डू दैट. आई हैव टू डू. आई हैव मिस्ड इट. आप करने वाले बनो, लेकिन अनफॉर्चूनेटली आई हैड अ वर्ड विद अ फ्यू पीपल जो कि मराठी वाला करते हैं तो वो यही कह रहे थे कि ओमिक्रॉन फिर आ गया कमबख्त, ये कोरोना जा नहीं रहा तो स्टूडियोज करेंगे गाइस, करेंगे बहुत जल्दी. आपको मिथ पैट को सुनेंगे किसी ना किसी कमर्शियल में या फिर किसी सीरीज में, एनिमे सीरीज में, बिकॉज आपका ना दिल से किसी चीज को. आई थिंक आई कैन ट्राई इट यार. डबिंग का ना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आपको ना सिंक आना चाहिए. एंड सिंक इज द. अच्छा अभी मैंने रिसेंटली आपको भी डब किया था, आपने देखा था ना वो. अरे भाई मेरी तो हालत खराब हो गई थी बिकॉज आप ना बहुत तेज बोलते हो और आवाज में बहुत ही उतार चढ़ाव होते हैं, तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना तब उस ऐसे शख्स को डब करने में ना हालत खराब हो जाती है. अच्छा सेकंडली यू आल्सो मस्ट बी डूइंग दिस लाइक इन द स्टूडियो लाइक फॉर एग्जांपल. हाँ क्योंकि मैंने अभी ये रिसेंटली जो किया मैंने जादू के इसमें, हाँ हाँ, उसमें मैंने ऐसे ट्राई किया था चीजें. आई गिव यू एन एग्जांपल कि अभी सुनियो दौड़ रहा है, हाँ, एंड यू आर सपोज्ड टू गिव वॉइस टू सुनियो व्हाइल रनिंग. हाँ, तो हाँ, हाँ, आप भी दौड़ते दौड़ते आवाज देते थे. हाँ बिल्कुल कैसे होता था ये सब कुछ. सामने स्क्रीन होती है. हाँ हाँ स्क्रीन होती है सामने, आपके हाथ में स्क्रिप्ट होती है. और हाउ डू यू सिंक इट सो फास्ट, लाइक रीशूट देना पड़ता है. अरे शुरुआत में तो मैं क्या बताऊं, मुझे ना हंसना नहीं आता था यार. मतलब मैं ना मतलब आप सोच के हंसोगे, मैं अपने साथ में ना चुटकुले रखता था, मतलब अपने फोन में. मैं सोचता था जोक्स वगैरह मेरे पास में होंगे ना, तो वो जैसे ऑल ऑफ अ सडन जैसे वो जियान ने नोबिता को मारा, ठीक है, अब उसकी पिटाई हुई, उसके बाद ना उसका सुनियो का हंसने वाला सीन, बेचारा नोबिता बेचारा जियान मार मार. तो ना ये जैसे मैं अभी हंस रहा हूँ, मुझे हंसी नहीं आती थी. इट वॉज सो वियर्ड. तो मैं क्या करता था, अपने फोन में ना जोक्स रखता था. मैं सोचता था जैसे मेरा कोई डायलॉग आएगा ना, मैं जोक पढ़ूंगा और मैं जोक को सोच के हंसूंगा. और मैं अपने डबिंग डायरेक्टर को और अपने इंजीनियर को बचपन के टाइम की बता रहा हूँ आपको, मैं उनको बोलता था यार मैं कैसे हंस दूं, मुझे तो हंसी आई नहीं रही. और वो कहते थे अबे यार तू तो बिल्कुल ही बच्चा है यार, क्या करे. तो होते हैं मतलब ऐसी चीजें होती थी शुरुआत में कि सिंक नहीं हो रहा, कोई भाग रहा है तो क्या करें, कोई सांस ले रहा है, ठीक है. यू हैव बीन अर्निंग सिंस, अर्निंग क्या छोड़ो वो तो बाद में बात करेंगे, बट लाइक यू हैव बीन वर्किंग सिंस सच अ स्मॉल एज. हां बोल नाउ. बिल्कुल, आई स्टार्टेड एट वेरी यंग एज. व्हिच एज डिड यू स्टार्ट? 14 आई स्टार्टेड. 14 यू स्टार्टेड एंड अब तक यू हैव बीन वर्किंग. लाइक आई एम श्योर दिस मस्ट हैव हैपेंड टू यू बिकॉज़ मुझे तो अभी से होता है ये सब चीजें, लाइक यार अभी YouTube चल रहा है, अभी चलेगा नहीं चलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, एंड लाइक व्हेन यू मस्ट बी ड्यूरिंग द डबिंग का फेज, आपको भी तो ऐसे लगता होगा कि ये कब तक चलेगा एंड ऑल दैट. डिड यू एक्सपेक्ट लाइक आफ्टर ऑल दिस लाइक यू आर गोना बिकम अ यूट्यूबर? Because YouTube is doing really good for you now. हाँ, जैसे आपने बोला वैसे ही same thing goes with me as well, कि YouTube happened actually. It's a sweet accident.
क्योंकि मैं तो ये सोचता था आई हैड ओनली 900 सब्सक्राइबर्स बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड नाउ आई हैव 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स बाय गॉड्स ग्रेस और उस टाइम में ना मैं सोचता था यार 900 सब्सक्राइबर है ना बस मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरी तो जिंदगी मस्त हो जाएगी वही बोल रहा हूँ तो अब भाई मुझे पता ही नहीं था कि मेरी आवाज़ के इतने फैंस हैं ऑल ऑफ अ सडन मुझे इतना प्यार मिलने लगा और उसके बाद जैसे आप जैसे कुछ प्यारे लोग हैं उनसे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं इस प्लेटफॉर्म पर उनके जरिए मेरी जो रीच हुई वो बड़ी वो वहाँ पहुँची और जहाँ तक बात वो इनसिक्योरिटी का है तो यार आप भी फ्रीलांसर हो देखा जाए तो हम भी इस फील्ड में फ्रीलांसर हैं तो देखो ना यार मेरा तो चलता चलाया काम चला गया मेरे हाथ से जो कि मैंने 15 साल किया तो but something else worked out ना हाँ तो टैलेंट है ना yeah that's what I'm saying because you're a creative person हाँ 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 something or the other things like I'm hoping it keeps working out ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ तो चलता रहेगा लोग होंगे जिनको like dubbing है इसमें कुछ ना है होंगे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे पॉडकास्ट तो उनको भी शायद ये आपके जैसे करना होगा आई एम श्योर आपको कमेंट्स भी आते होंगे कैसे गिव सम टिप्स ना टू देम भाई आंखें बंद करो सीधा सबसे पहले जाओ बॉम्बे और उसके बाद कुछ सोचना क्योंकि क्योंकि जहां पर भी रहोगे बॉम्बे वाले तुम्हें निकाल देंगे जस्ट हेड टुवर्ड्स बॉम्बे और उसके बाद यार आप फॉलो करो अपने पैशन को आपका जो भी पैशन है आपकी लाइफ में आपको गाना गाना है आपको यूट्यूबर बनना है आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है आपको एक्टर बनना है जस्ट फॉलो योर पैशन आंखें बंद करो और जैसे अर्जुन ने आंख की तरफ निशाना मारा था ऐसे बस आंख की तरफ देखते जाओ निशाना अपने आप लगता जाएगा But I'm sure my daughter is gonna bother you like anything and I'm sure she doesn't watch my videos. इतने छोटी audience नहीं है मेरी. हाँ नहीं नहीं देखते मेरी videos नहीं ना. नहीं 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 अब वो तो 1.5 साल की है ना अभी. Dude, I'm like she's gonna be so fascinated ना बड़ी होके. अरे like मेरे साथ because I don't know if she'll watch Doraemon but वही तो मेरे साथ जोक होता था कि वजाहत तू बड़ा हो जाएगा तेरी शादी हो जाएगी तेरे बच्चे हो जाएंगे तू तब भी डोरेमोन करता रहेगा क्योंकि डोरेमोन के बहुत सारे एपिसोड्स हैं तो वहां पर ये प्रूव हुआ ना ये नहीं प्रूव हो गया कि बच्चे हो गए मेरे और मैं करता रहा उसको और करता रहा और अभी भी मतलब मेरी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं एक सिंगर से ज्यादा और मतलब और किसी चीज से ज्यादा एक डबिंग आर्टिस्ट की और सुनियो की है मोर इम्पोर्टेंटली जैसे अभी मुझे डबिंग डिपार्टमेंट में सब जानते हैं मतलब मुंबई में भी आई गॉट टू नो दैट एवरीवन All the artists in the artist fraternity, they know me. Haan. So okay. now they know me because of YouTube. And YouTube know me because of Sunio. so, Dude, हम सब YouTubers को मिलके जी सब सबको मिलके कुछ तो crazy बनाना चाहिए. I am in. Just be like you are giving like the voice. I'm giving maybe one voice. अरे मजा आ जाएगा. Like we make this animation and everything like ऐसे मिलके कुछ तो. I heard के वो अपना Carrie Minati is planning to do some kind of anime thing. तो अगर ऐसा कुछ आप लोग कुछ मिलके करते हो ना तो भाई फील आ जाएगा मैं बता रहा हूँ और लोग पागल हो जाएंगे जैसे जैसे जितने बड़े यूट्यूबर्स है ना जैसे निश्चय है आप हो है और भी जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स है सबकी आवाज से भी लोग एक एनिमे सीरीज सबका हाँ सबकी आवाज से भी लोग वैसे ही कनेक्टेड है ठीक है जैसे कि हमारी आवाज है तो अगर ऐसा कुछ बनता है ना तो आई एम 100% श्योर मैन इट्स गोना बी अ सुपर डुपर हिट एनिमे सीरीज 100% मैं सोच रहा हूँ मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलूंगा मैं पिछले 15 दिन से दो बार सोचा ये चीज शुड आई लाइक वॉच डोरेमोन अगेन अरे इट्स अ ब्यूटीफुल सीरीज लाइक या बिकॉज़ आई थिंक डोरेमोन इज समथिंग दैट केप्ट मी यंग लाइक यंग मतलब इन माय माइंड इट केप्ट मी यंग एंड इट गिव्स मी सो मेनी लाइक You know, like young energy जो होती है, बिल्कुल। जो डोरेमोन के वजह से I think है, because till the age of 21, I don't think lot of people watch डोरेमोन। हाँ, actually। But like I feel creatively वो मुझे बहुत help करता है for some reason। Anime देखना बहुत ही अच्छी चीज होती है और जब तक मतलब आपने जैसा बोला जब तक आप anime देख रहे हो cartoons देख रहे हो इसका मतलब आपके अंदर वो बच्चा छिपा हुआ है और वो बच्चा आपके अंदर रहना बहुत important है क्योंकि वो बच्चा आपको नई नई चीजें explore करने की ताकत देता है wow. ये ब्यूटीफुल नोट पे हम लोग आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं एक्चुअली आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट क्या बोले लविंग पॉडकास्ट था मेरे लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ये चीजें मेरे को सीखने को मिली इस पॉडकास्ट से अरे वाह क्या बात है इट वाज सो मच फन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर इंस्पायरिंग मी टू स्टार्ट माय ओन पॉडकास्ट यू शुड डेफिनेटली सो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट आप डबिंग में भी आइए वहां पर भी अपना तहलका मचाइए और मिमिक्री आप बहुत अच्छी करते हैं एंड द वे यू क्रिएट स्टफ ऑन यूट्यूब एंड हियर स्पेशली ऑन स्पॉटिफाई यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब Hats off to you. Thank you. Can you end in Sunio's voice?
टेल यू व्हाट टू से. हां ठीक है. सो लाइक आप लोगों को बस बोल दो कि नीचे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको फॉलो करो और अगले ट्यूसडे को एक नया पॉडकास्ट आने वाला है. ठीक है ऐसे कुछ तो. ठीक है. डायलॉग्स भी पूछ जाता हूँ. पॉडकास्ट को सुनते रहने का सुनियो. मैं क्या करूँ सुनियो. देखो दोस्तों मैं तुम्हें आज एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताने वाला हूँ. अगर तुम्हें अपने मंगलवार को और ज्यादा मंगलमयी बनाना है, अपने मंगलवार को हैपनिंग बनाना है, मतलब ट्यूसडे को हैपनिंग बनाना है, तो जल्दी से वो जो नीचे आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है ना उसको प्रेस करो, क्योंकि हर ट्यूसडे को मिथ पैट भैया का एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक, बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट रिलीज होता है. जल्दी से जाओ बेल आइकन प्रेस करो और मिथ पैट को फॉलो करो. ये क्योंकि मिथ पैट का जो पॉडकास्ट है वो मेरे डैड यूएस से बिल्कुल नहीं लाए हैं. Thank you so much for being here. Thank you so much. Maybe in future we'll do one more podcast, more interesting. I had an idea ki like we should get multiple dubbing artists together and aise kuch to podcast karna chahiye. Maybe in future we'll do that. Thank you so much for coming. It was so much fun. Main bhi nikalta hu guys aur milta hu aap logo se agle hafte. Tab tak ke liye bye bye. सुन रहे थे द मिथ पैट पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा एफएक्स. फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे ओनली ऑन स्पॉटिफाई.